ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली गाइस, ओ माय गॉड, रोबोट 3.0 भाई बनने के चांसेस बताए जा रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे डायरेक्टर सी शंकर बनाने जा रहे हैं रोबोट 3.0। कितनी हकीकत है, कितना इसमें सच है और क्या इसमें कुछ दम है इस बात के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि अक्षय कुमार सर को अप्रोच किया जाने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ तो पहले क्लियर कर दूं कि रोबोट 3.0 ये बनेगा, रोबोट 4.0 ये भी बनेगा, रोबोट 5.0 ये भी बनेगा, लेकिन अभी के समय नहीं बन रहा है। देखो, 2018 में यहाँ पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था भाई साहब, सी शंकर का, जहाँ पे उन्होंने अपने रोबोट 2.0 के ट्रेलर लॉन्च के समय, जहाँ पे रजनीकांत से अक्षय पाजी थे, सारे के सारे बंदों के सामने डायरेक्टर सी शंकर ने इसी को कहा था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या रोबोट 2.0 के बाद वो आगे फ्यूचर के अंदर इसके अगले पार्ट्स को देखते हैं, तो उन्होंने कहा था रोबोट 3.0, 4.0, 5.0 सारे के सारे बनाएंगे, लेकिन जब उनके दिमाग में अच्छे खासे स्क्रिप्ट, अच्छे खासे आइडियाज आएंगे। और यहाँ पे भाई साहब खबरें निकल करके ये आ रही है कि अभी के समय आपको नहीं मिलने वाला है। हकीकत आपको बता रहा हूँ, रोबोट 3.0 नहीं मिलने वाला है अभी के समय, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और हाँ, जस्ट मैं देख रहा था कई सारे ऐसे भी आर्टिकल्स, भाई आर्टिकल्स ऐसे भरे पड़े हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ को भाई साहब, यहाँ पे आर्नोल्ड को भी अप्रोच किया गया है रोबोट 3.0 के लिए। सीरियसली, आर्नोल्ड को अप्रोच किया गया रोबोट 3.0 के लिए। देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी ये मूवी आएगी डेफिनेटली यहाँ पे बड़े बड़े स्टार कास्ट आपको नजर आएंगे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर सी शंकर के अंदर कुछ अलग दिमाग में कुछ अलग आइडियाज आते हैं और यहाँ पे वो पक्षीराज के कैरेक्टर को किसी तरह से फिर एक बार रिवाइव करा जाते हैं, हालांकि वो तो मुश्किल है क्योंकि रोबोट 2.0 के अंदर पक्षीराज का कैरेक्टर खत्म हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन सपोज अगर कुछ उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से अक्षय पाजी को लाने का काम करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अभी के समय अगर आप स्टोरी वाइज भी जाते हैं तो अक्षय पाजी की एंट्री लगभग नामुमकिन है अब रोबोट 3.0 के अंदर। एंड हाँ, रोबोट 3.0 के अंदर जब भी बनेगा, ये चांसेस हैं कि बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन टाइगर का जो नाम निकल करके या उसमें बिल्कुल फिलहाल इसमें कोई भी दम नहीं है। आर्नोल्ड का जो नाम निकल करके उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें। और इस मूवी का इंतजार लोग वाकई में काफ़ी अधिक कर रहे हैं। और मैं आपको एक और हकीकत बता देता हूँ कि फिलहाल के समय अगर इस मूवी को लेकर के हल्की फुल्की भी बस क्रिएट होंगे और मेकर्स इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि रोबोट 3.0 का जो डेवलपमेंट है काफ़ी समय से रुका हुआ है फिर एक बार चालू हो सकता है। और कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर, भले आपको अभी नहीं लेकिन हाँ 2025 के अंदर, 2026 के अंदर ये मूवी फिर एक बार फ्लोर के ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल के समय जो खबरें निकल करके आ रही, जो लोग बातें बता रहे आपको कि अक्षय पाजी होने वाले, टाइगर होने वाले, अभी के समय कुछ भी कंफर्म नहीं। और एक और चीज़ भाई, रोबोट 3.0 के अंदर अक्षय पाजी कैरेक्टर फिलहाल के समय तो फिट नहीं बैठता है, खासतौर पर पक्षीराज कैरेक्टर तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, वो कैरेक्टर रोबोट 2.0 के लिए सिर्फ था, तो ये रूमर पूरी तरह से फेक है। ठीक है, तो देखते हैं अभी फिलहाल कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ यार, ये जो मूवी है इसको बहुत लोगों ने पसंद किया है और डेफिनेटली जब भी आएगा धमाका जरूर करेगा। और देखना है कि किसके लोग अप्रोच करते हैं, किसको कास्ट करते हैं। कभी कभी कोई सलमान खान का नाम लेता है, कभी कभी कोई भाई साहब यहाँ पर रणवीर कपूर का नाम लेता है, कभी कभी भाई साहब कोई यहाँ पर रणवीर सिंह का नाम लेता है। अब वो तो भाई फ्यूचर में मालूम पड़ेगा जब यहाँ पर शंकर जी अपने कास्टिंग का नाम निकाल करके लिखेंगे। फिलहाल के लिए अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, अभी हल्की फुल्की आइडियाज़ आते जाते रहते हैं, तो बस वही चीज़ फिलहाल के इसमें चल रहा है। लेकिन रूमर्स निकल रहे, इट मीन्स यहाँ पे मेकर जरूरी चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सो रूमर फैलाते रहो, लेकिन हाँ, फालतू की न्यूज़ से दूर रहो। थैंक यू सो मच अभी के लिए इतने, और उम्मीद करो अगर भाई रोबोट 3.0 बने तो कुछ भाई साहब तिकड़म यहाँ पे लगाया जाए, खिलाड़ी कुमार की एंट्री लगाई जाए। थैंक यू सो मच अभी के लिए इतने, बाय बाय।